हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आदि रोहित हमें। तो आज की इस वीडियो में हम आप सभी को एक अमेजिंग से वायरल टिकटॉक हैक को ट्राई कर दिखाने वाले हैं। तो और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको इस वीडियो देखकर बहुत ही मज़ा आने वाला है। और इस वीडियो में हम ऐसे ऐसे ट्रिक को जानेंगे जो आज से पहले आप लोगों ने नहीं जाना होगा, और बहुत ही अमेजिंग ट्रिक को हम आपको सिखाने वाले हैं जो वायरल टिकटॉक हैक हैं। और आप ये सब सीखकर अपने फ्रेंड को भी दिखा सकते हैं जो आपके फ्रेंड बिल्कुल नहीं जानते होंगे, और आप एक लोकी क्राफ्ट के प्रो प्लेयर बन सकते हैं इन ट्रिकों को सीखकर, जो बहुत ही अमेजिंग है, सर्वाइवल के लिए बहुत ही अच्छे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वायरल टिकटॉक हैक की तरफ चलते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो भाई लोग, जो ये हैक होने वाला है, ये कोई हैक नहीं है, ये एक एक्सपेरिमेंट है। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम लोकी क्राफ्ट 5 को आपका सबसे स्ट्रॉन्ग मैटर या कोई चीज़ बताने वाले हैं जो सबसे स्ट्रॉन्ग है इसमें। तो पहले मैं इसके नीचे फसल बो लेता हूँ, और सामने आप देख लेंगे सैंड और पांच चार सब्सटेंसेस का एक ब्लॉक का जो घेर ऊपर है लाइन खींची हुई है। इसे हम एक बारी बारी करके गिराएंगे। तो पहले सैंड गिराते हैं और फिर चेक करते हैं कि यार ये अपना फसल नष्ट नहीं हुआ। तो मुझे यही चेक करना है कि आखिर मेरा फसल किससे नष्ट हो जाएगा यार। तो ये मैंने रेड सैंड भी गिरा दिया। मैं उम्मीद करता हूँ इससे तो बिल्कुल नष्ट हो जाना चाहिए था यार, लेकिन ये बहुत मजबूत है, लेकिन ग्रेवर से ये नहीं बच सकता। तो मैं ग्रेवर भी गिरा देता हूँ, लेकिन मैं अफसोस कहना पड़ रहा है कि ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट थिंग्स है इस लोकी क्राफ्ट 5 का। तो पहले एग को भी गिरा देते हैं। ये ड्रैगन एग है, बहुत मजबूत होता है। अब भाई ये एनविल से अगर नहीं टूटा तो मैं इसे सबसे मजबूत चीज़ का दर्जा दे दूंगा इस लोकी क्राफ्ट में। तो पहले एनविल की आपको पावर दिखा देते हैं। तो ये देखिए, कोई भी इससे नहीं बच सकता, सब नष्ट हो जाता है। तो ये फसल किस खेत की मूली है। तो भाई ये फसल लगभग नष्ट हो चुका नहीं है यार। ओ भाई, ये बहुत ही स्ट्रांग है। लेकिन अभी आपको मैं एक जादुई चीज़ दिखाता हूँ। ये देखो, मैंने केवल 2 ब्लॉक से जंप किया, ये ख़त्म, टूट गया, ठट्टा, बाय बाय, गुड बाय। तो ये देखिए, मतलब इतने मजबूत मजबूत चीज़ें गिरे और नहीं टूटा, लेकिन एक आदमी के जंप करने से हो जाता है। तो अब बढ़ते हैं हैक नंबर 2 की तरफ। यहाँ पे हम क्लोनिंग मशीन बनाएंगे, जो ये क्लोन बनाएगा। आप चाहे जो डुप्लीकेट बना सकते हैं, बस केवल आपके पास 2 या 3 मैटर होना चाहिए उस तरह। तो पहले आपको कुछ इस तरह से पिस्टन लगा कर, इसके बाद में आपको रेड डस्ट लगाना है, और लीवर से इसे एक्टिवेट करने के बाद स्लाइम ब्लॉक लगा देना है इस तरह से। इसके बाद आपको ऑब्जर्वर चाहिए, ऑब्जर्वर आपको कुछ इस तरह से लगा देना है। लगाने के बाद में आपको पावर रेल की ज़रूरत होगी, क्योंकि मैं इसे ही क्लोन करूँगा। तो यार यहाँ पे नहीं लगाना था, इसे स्लाइम ब्लॉक पर लगाना है। इसे तोड़कर स्लाइम ब्लॉक पर लगा देते हैं, जैसे एक्टिवेट करेंगे ये इसका क्लोन बनाना शुरू कर देगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भाई ये क्या, अरे यार ये तो वर्क नहीं किया, एक बार दोबारा ट्राई करते हैं। तो ये वाला लोकी क्राफ्ट में ये वाला हैक नहीं वर्क करता है, तो इसे हम लोग इसे फेल कहेंगे। तो ये हैक में फेल होता है। जब चलते हैं हैक 3 की तरफ। तो ये वाला हैक जो है, ये स्लीपिंग ऑन लावा है। तो हम लावा के ऊपर सोने की कोशिश करेंगे। क्या सच में हम लावा के ऊपर सो सकते हैं। तो यार मैं बेड रखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बेड नहीं रख पाया। तो पहले क्या करेंगे, इसके आसपास का लावा जो है उसे सूखा कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। तो कुछ ऐसे तोड़कर एक ब्लॉक गैप दे देते हैं, और यहाँ पर रखते हैं लावा, नो सॉरी यार, बेड रख देते हैं। तो बेड रख दिया है मैंने, आप चारों तरफ से लावा आएगा और इस बेड को जला देगा। तो मैं और लावा डाल देता हूँ चारों तरफ से। तो यार ये सोचने वाली बात है, ये लकड़ी का है बेड, लेकिन ये जलने का नाम नहीं ले रहा है। तो रात हो चुकी है, अब मैं विलेजर को यहाँ पे सुलाता हूँ, लेकिन ये अफसोस, ये विलेजर सो नहीं रहे हैं। हो सकता है जो इसके तरफ लावा है चारों तरफ, इससे नहीं सो रहे हैं। तो पहले मैं लावा तो चारों तरफ से हटा देता हूँ, फिर सुला कर लावा फिर डाल देंगे। तो यार ये मैं बहुत देर से इस विलेजर को सुलाने की कोशिश कर रहा हूँ,
लेकिन यार ये सोने का नाम ही नहीं ले रहा है, पता नहीं क्यों बेवकूफ़। ये लगता है रात भर जाके मुझे ये सोना पड़ेगा। तो यार मैं लावा के अंदर सो सकता हूँ, इसीलिए मैंने ब्लॉक भी हटा दिया है। आप सोने की कोशिश भी किया था, मैंने सो गए हैं, आराम से सो सकते हैं लावा के अंदर, कोई डिफिकल्टी नहीं आया। अब मैं इसका लावा का कम्बल भी बना देता हूँ रजिया, अब भी आराम से सो सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा जलने का रिस्क रहता है। और मैं इसे पूरा लावा से ढक कर फिर सोने की कोशिश करता हूँ, फिर भी सो जाऊँगा। लेकिन एक लावा का ब्लॉक एक बच रहा है, इसे भी रख देते हैं, पूरा एकदम लावा का रजैया बना देंगे इसे, ताकि सोने में चेक करेंगे कि क्या हम पूरा इसे ढकने के बाद सो सकते हैं। तो यार इसका मतलब सो सकते तो हैं यार बहुत ही। तो ये कब्र टाइप का बन चुका है एक, लेकिन फिर भी सो जाते हैं हम इसके अंदर। तो ये हाइक पास होता है इसमें, और हाइक नंबर 4 की तरफ चलते हैं। ये बहुत ही अमेजिंग है, ये मेरा सबसे फेवरेट हाइक है। ये हाइक मुझे सबसे ज़बरदस्त लगा। पहले आपको पोर्टल बनाना है, और पूरा मैं आपको हाइक बताते चलता हूँ। तो आपको क्या सिंपली है, आपको पोर्टल को स्टार्ट करने के लिए फ्लिंट एंड स्टील का ज़रूरत होता ही है। लेकिन मैं आपको एक टेक्निक बताऊँगा कि आप फ्लिंट एंड स्टील को बिना जलाए आप पोर्टल को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो पहले तो इसे हम क्या करते हैं, फ्लिंट एंड स्टील को फेंक देते हैं, क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। आपको पास एक बेड होना चाहिए भाई लोग, सच में एक बेड होना चाहिए। बेड के ऊपर जैसे हम सोएंगे एक्टिवेट हो जाएगा आपका जो ये पोर्टल है, क्योंकि यार आप नेदर में नहीं सो सकते। अगर आप नेदर में सोने की कोशिश करते हैं तो आपका बेड ब्लास्ट हो जाता है, और आपका बेड जब ब्लास्ट होता है तो ये TNT से भी ज़्यादा तेज धमाका करता है, उससे भी डेंजर होता है, TNT से भी डेंजर होता है आपका बेड। तो TNT भले ही कम ब्लॉक ब्लास्ट करता है, लेकिन ये ज़्यादा ब्लास्ट करता है। तो अगर आपके पास TNT नहीं है और आप माइन करना चाहते हैं और भी नेदर में, तो आप कुछ नहीं, सिंपली बेड क्राफ्ट कर लीजिए खूब ज़्यादा, आपको TNT की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन यार बेड में एक चीज़ होता है कि आपको खुद को भी ब्लास्ट होने का रिस्क रहता है। तो भाई लोग मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को पसंद आई है तो आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और कमेंट में बताइए कि आप लोगों को किस तरह की वीडियो चाहिए। और मैं आप लोगों के लिए एक सरप्राइज लाने वाला हूँ जो जल्द ही आएगा, 2-3 उस पर काम चल रहा है, बहुत ही मस्त सरप्राइज है। क्योंकि मैं ये जो आइस का ये पूरा दुनिया आप देख रहे हैं यहीं पर का सरप्राइज है। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में सरप्राइज के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय।